सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम लेटेस्टली। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है, हम दो हमारे दो। कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है। और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है, और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है, पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन को हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है, दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और सब अगर बजट में चल साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं, सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए जनता के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है। आप उनका आदर कीजिए।
जो रीढ़ की हड्डी है, किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218 सर आपने माइक बंद कर दिया, बोलने दीजिए, चल पड़ा माइक बंद कर दिया सर आपने। सर आप तो डिस्टर्बेंस कर। खैर इससे होगा क्या, जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला।